हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं, ये है XUM की बीबी क्रीम 6 in 1। पैकेजिंग इसकी ट्यूब फॉर्म में है, आउटर पैकेजिंग कार्डबोर्ड में थी, 65 ml है। प्राइस इसकी 450 है एंड दराज पर ये आपको इजीली मिल जाएगी। दिस इज़ मेड इन चाइना। इनका क्लेम है कि दिस इज़ ब्लेमिश बेस, और जो भी आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन या ब्लेमिशेस हैं, ये उसको बहुत फाइनली कंसील कर देती है, कवर कर देती है। और 6 in 1 इसको क्यों कहा जाता है, इसको भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडली हम लोग बात कर लेते हैं इसके क्लेम्स की। सो इसका क्लेम है कि ये आपकी स्किन को स्मूथ बना देती है, आपकी स्किन पर विजिबल हो जाती है इमीडिएटली, और आपकी स्किन को नरिश करती है। इसमें हेलोरॉनिक एसिड है, विटामिंस हैं, कैफीन है, एंड दैट इज़ ट्रू। ये आपकी स्किन को इतना स्मूथ कर देती है और विजिबल भी होती है एप्लीकेशन के एग्जैक्ट, जब आप लोग इसको अप्लाई कर रहे होते हो, और ये बहुत जल्दी से विजिबल होती है आपकी स्किन पर। हेलोरॉनिक एसिड भी है इसमें, क्योंकि इससे पहले आप अगर मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाते और आपकी ड्राई स्किन है, तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाती है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि दिस इज़ नॉट फॉर ऑयली स्किन, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद ड्राई स्किन पर भी जो है एक ऑयली सा वो आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है, तो ऑयली स्किन वाले इसको, ये उनके लिए सूटेबल नहीं है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये इतनी मतलब उनके फेस पर इतने इजीली ब्लेंड हो जाती है विदाउट अप्लाइंग एनी मॉइस्चराइज़र या प्राइमर के बगैर। सो ऑयली स्किन को तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली कर देगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इनका क्लेम है कि मॉइस्चराइज फॉर 48 आवर्स। सो ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जिसमें 48 आवर्स तक मॉइस्चराइज आपकी स्किन को रखती है। बीबी क्रीम जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे तक हमारे फेस पर लगा रहता है। अब मैं इस क्लेम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि 48 आवर्स तक ये कैसे है, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद नॉर्मली हम लोग फेस वॉश कर लेते हैं और उसके बाद ये स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, तो दैट इज़ अनबिलीवेबल। मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। लाइटन एंड स्मूदन्स कम्प्लेक्शन, इस चीज़ में भी डाउट है कि ये स्किन को या कम्प्लेक्शन को नेचुरली आपके कम्प्लेक्शन को लाइटन या स्मूद कर देती है या उसको अप्लाई करने के बाद। सो ये वाले जो हैं ये थोड़े से डाउटफुल क्लेम्स हैं। नेक्स्ट है इवन आउट स्किन टोन एंड दैट इज़ ट्रू। कंसील कर देती है आपकी इम्परफेक्शंस को एंड पिगमेंटेशन को, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। SPF 15 है इसमें, विच मीन्स कि आपको इसके साथ SPF लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट्स टॉक अबाउट, ये तो सारे इसके क्लेम्स थे जिसमें से मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि विच वन इज़ ट्रू एंड विच वन इज़ नॉट। सो नेक्स्ट हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके फैक्ट्स की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की। सो सबसे पहला जो फैक्ट है इसका वो ये है कि मैं इसको काफ़ी देर से, मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इसके कुछ फ्लॉज भी हैं। तो सबसे पहले फ्लॉ इसका ये है कि इसको अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है इट टर्न्स इनटू ग्रे, और मैं आपके जब इसके स्वॉचेस दिखाऊंगी तो आप लोग खुद इसको फील कीजिएगा कि ये ग्रे होना शुरू हो जाती है आपकी स्किन पर, जिससे आपका स्किन जो है वो आपकी स्किन का जो कलर है या शेड है वो आपका डार्क लगने लग जाता है। और मेकअप अगर आपने उस डार्क शेड के अकॉर्डिंग नहीं किया तो दैट डज़ नॉट लुक गुड ऑन योर फेस। और इसके अलावा जो है इसकी टोन्स में, इसमें कुछ शेड्स भी अवेलेबल हैं, 3 शेड्स इसमें अवेलेबल हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा है, क्योंकि मेरे पास ये वाला शेड है इसलिए मैं आज इसका ही रिव्यू करूँगी। अच्छा, ये वाला जो शेड है ये फेयर कलर वालों के लिए है, जिनका नेचुरल फेयर कलर है उनके लिए, आइवरी एंड क्लासिक आइवरी वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए भी कंडीशन ये है कि आप उसके बाद कोई भी सेटिंग पाउडर जो है वो ज़रूर यूज़ करें, पैन केक ज़रूर यूज़ करें, ताकि ये कुछ टाइम के लिए आपकी स्किन पर स्टे करे। अच्छा, ये आप लोग साथ साथ देख रहे हैं कि ये स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है, और मैंने इसको हाथों से ही ब्लेंड कर लिया, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करते हुए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इसलिए मैं इसको हाथों से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। स्किन के साथ ये ऐसे ऐसे स्किन में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, और एग्जैक्ट 1.5 आवर्स के बाद एंड 2 घंटे के बाद ये ऑक्सीडाइज कर जाती है, इससे ज़्यादा ये आपके फेस पर स्टे नहीं करती, आपकी स्किन में टोटली अब्जॉर्ब हो जाती है कि ऐसा ऐसा आपके फेस से वैनिश हो जाती है। ड्राई स्किन्स पर बीबी क्रीम ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 आवर्स स्टे करती हैं। हम इसको किसी शादी के इवेंट्स वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए बेटर यही है कि आप कोई फाउंडेशन करें। ये रेगुलर बेसिस के यूज़ के लिए अच्छा है, जिसमें ज़्यादा ब्लेंडिंग वगैरह आपको नहीं करनी पड़ती, या आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो आप इसको लगा सकते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को कंपेरिजन करके दिखा रही हूँ
हूँ कि जिस पे मैंने बेस नहीं लगाई दैट इज़ वेरी नेचुरल कलर, और जिस पे मैंने बेस लगाई हुई है इट इज़ गिविंग अ ग्रे लुक, और ये जो ग्रे लुक है ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक में चेंज हो जाता है, मतलब डार्क में शेड हो जाता है चेंज, टोटली ब्लैक नहीं हो जाता, डार्क हो जाता है माइनर सा, जो अच्छा नहीं लगता आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग नहीं लगता। सो प्रोबेबली आई एम सक्सेसफुल हेयर टू प्रूव माई पॉइंट, और बाकी अब आप लोग बताएंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मार्केट में इन थी और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया है, मार्केट से भी आपको इजीली मिल जाएगी, अंदर आस पर भी अवेलेबल है। अच्छा एक और चीज़ जो इसमें है, जब इसको ये इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है कि आप को ड्राई स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़र लगाने के बगैर ये बहुत अच्छे से कर देती है, स्किन को हाइड्रेट कर देती है, और जब आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो स्किन पर एक वेट वेट सी फीलिंग आ रही है, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आपने कोई गीली सी चीज़ फेस पर लगाई है, जस्ट लाइक जब आप हलोरॉनिक एसिड फेस पर लगाते हैं, सो इसको लगाने के बाद ऐसी फीलिंग आती है। सो गाइज़ ये था मेरा आज का डिटेल्ड रिव्यू, और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।